गुड आफ्टरनून। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8C। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक पे, फर्स्ट करेंगे एडिशन पे, सेकंड करेंगे सब्ट्रैक्शन पे। यानी इस चैप्टर में जो एल्जेब्रिक इक्वेशन में एडिंग कैसे होता है और सब्ट्रैक्ट यानी जो माइनस करते हैं वो किस तरीके क्वेश्चन एल्जेब्रिक इक्वेशन में आपको मिलेंगे, तो हम इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और आप लोगों को अच्छी तरह से इसे बताएंगे कि आप लोग अच्छी तरीके से समझ पाएं। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट हम कुछ कुछ क्वेश्चन को लेंगे, सारे एक टाइप्स क्वेश्चन हैं, आप लोग प्योरली इसको समझने की कोशिश करिएगा। ओके थैंक यू। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख रहे हैं कि इसमें दिया गया है ऐड। आज इस क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया गया ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे? तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है 7xyz -5xyz, 9xyz, -8xyz। जब ये क्वेश्चन लेंगे तो सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं कि 7xyz हमको ऐड करना है, तो प्लस। ओके अब ये आप देख रहे हैं कि हम क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव साइन रहे तो उसको हम क्या करेंगे, एक स्मॉल ब्रैकेट में उसको हम रख लेते हैं, थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। फिर -8xyz। अब यहां से आप क्या कर रहे हैं, 7xyz 9xyz को अगर ऐड करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 16xyz। ओके ये आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, -5xyz -8xyz। अगर दोनों को क्या करेंगे, ऐड करके सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ऐड करेंगे तो 8 + 5 = 13 और 13xyz। ओके 16 में अगर 13 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा आपका 3xyz। जो बच्चे समझे हैं फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ऐड जो था पॉजिटिव वाले को ऐड किया, 9, 7, 16। क्लियर। फिर हमने माइनस वाले साइन को ऐड किया है, -5 - 8 = -13। 16 में -13 करेंगे तो 3xyz आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 6a³ + इसको क्या करेंगे, स्मॉल ब्रैकेट में हम ले लेंगे, +10a³ + -8a³। ओके अब इस तरह करेंगे 6a³ + -, आगे क्या होगा, +-4a³ + 10a³ + -8a³। पॉजिटिव वाले को एक साथ ऐड करेंगे 6, 10, ये आपका हो जाएगा 16a³ - 8 - 12a³। आंसर जो आएगा 16, सब्ट्रैक्ट करेंगे 12, तो आंसर आपका आएगा 4a³। ये आपका क्या आंसर आएगा, 4a³। ओके समझने में कितनी को प्रॉब्लम। ओके अब नेक्स्ट टाइप्स क्वेश्चन देखेंगे इसका। इस क्वेश्चन को भी क्या करना है, आपको ऐड करना है। आपके माइंड में होगा कि जैसे हम प्लस करते थे क्लास 2-3 की क्लासेज में, तो उस तरीके से सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा आप लोगों को प्रॉब्लम होगा। क्या जानते हैं, प्रॉब्लम ये होगा कि पॉजिटिव और निगेटिव वाले सिम्बॉल में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, तो साइन में। तो इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है m² - 4m + 5। इसको हम स्मॉल ब्रैकेट में कर लीजिए, ऐड करना, ऐड का सिंबल दे दिए। सेकेंड टर्म आपको दिया गया है, इसको मैंने स्मॉल ब्रैकेट में कर लिया। और लास्ट टर्म जो दिया गया है -m² - 2m - 7 को भी हमने कर लिया, तो इस तरीके से कर लिया। तो ये आपका हो जाएगा m² - 4m + 5 ±, ध्यान रखिएगा प्लस माइनस सिंबल चेंज होगा, 2m² + 6m - 6 + ±-m² + -2m + -7। तो पहले m² वाले को एक साथ ऐड करेंगे तो क्या आया है, m² - 2m² - m². अब m वाले को एक साथ रखेंगे, क्या है, -4m + 6m - 2m। उसके बाद +5 - 6 - 7। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि -2m² - m² कितना होता है,
माइनस थ्री एम स्क्वायर, माइनस थ्री एम स्क्वायर में अगर एम स्क्वायर क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस टू एम स्क्वायर। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं पॉजिटिव क्या है, सिक्स है, माइनस फोर एम, माइनस टू एम, तो माइनस सिक्स एम होगा, यहाँ प्लस सिक्स एम है, यानी ये क्या होगा, ये कट जाएगा। यहाँ पे क्या है प्लस फाइव, माइनस सिक्स, माइनस सेवन, यानी दोनों ऐड होगा, माइनस सिक्स माइनस सेवन इक्वल टू माइनस थर्टीन, माइनस थर्टीन में प्लस फाइव करेंगे तो माइनस एट आपका आंसर होगा। क्लियर, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। देखिए आपका नेक्स्ट टॉपिक जो दिया गया है वो दिया गया है सब्ट्रैक्ट, ऐड वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, आपको जितने भी ऐड वाले क्वेश्चन मिलेंगे उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। तो सब्ट्रैक्ट वाले क्वेश्चन में हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, कुछ दो क्वेश्चन लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिया गया कि 5x फ्रॉम 2x। जब इस टाइप से आपका क्वेश्चन रहे तो आप देख रहे हैं कि फ्रॉम का मतलब होता है कि 2x में हमको क्या करना है, 5x सब्ट्रैक्ट करना है, ये माइंड आपको रखना होगा, माइंड में रखना होगा 2x में हमको सब्ट्रैक्ट करना है 5x, तो आंसर आपका होगा माइनस 3x। क्लियर, अब ये आपका क्वेश्चन दिया गया माइनस सेवन एक्स फ्रॉम नाइन वाई, नाइन वाई में सब्ट्रैक्ट करना है हमको, तो आंसर आपका आएगा नाइन वाई माइनस माइनस प्लस सेवन एक्स, ये आपका आंसर होगा। ओके, अब इस क्वेश्चन को हम लेंगे थ्री ए फ्रॉम फाइव बी, फाइव बी में क्या करना है, थ्री ए क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा फाइव बी माइनस थ्री ए, ओनली बस फाइव एल थ्री पे, क्योंकि ए भी कभी माइनस क्या होता है, सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ये माइंड में रखेगा। हाँ, जब ये रहेगा फाइव ए माइनस थ्री ए, यानी दोनों तरफ आपको ए मिलेगा, तब आंसर टू ए हो सकता है, बट फाइव ए प्लस थ्री बी रहेगा या माइनस बी रहेगा, ना ऐड होगा ना सब्ट्रैक्ट होगा। क्लियर, देखिए नेक्स्ट टाइप आपका दिया गया सब्ट्रैक्ट का, ये नेक्स्ट टाइप है, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिएगा तो सारे सब्जेक्ट को आपके अजीब स्पेशन के क्वेश्चन जो होंगे सारे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो क्वेश्चन आपका दिया गया है 5a माइनस 2b माइनस 3c में क्या करना है, ये सब्ट्रैक्ट करना है। क्लियर, सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल ब्रैकेट में हमने कर लिया सब्ट्रैक्ट माइनस 2a, ये टर्म माइनस 2a प्लस बी प्लस 6d। ओके, तो आपका ये हो जाएगा 5a माइनस 2b माइनस 3c। अब यहाँ पे जो सिंबल होगा वो चेंज होगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस प्लस 2a प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस माइनस 6d। ओके, अब ये देखेंगे 5a में प्लस 2a ऐड करेंगे तो 7a, माइनस 2b में माइनस b ऐड करेंगे तो माइनस 3b। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 3c भी आ गया है, ये माइनस सिक्स दिया गया है, ना सी डी का भी ऐड होगा, यानी आंसर आ जाएगा सेवन ए माइनस थ्री बी माइनस थ्री सी माइनस सिक्स डी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन भी वही करना है, फ्रॉम इतने में क्या करना है, ये टर्म क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो फोर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स क्यूब, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है सिक्स एक्स क्यूब माइनस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस थ्री। इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे हम तो 4 माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ये आपका हो गया 8x क्यूब। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस माइनस 6x क्यूब माइनस माइनस प्लस 7x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 3। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, सबसे फर्स्ट x क्यूब वाले टर्म को देखेंगे, एक्स क्यू वाले टर्म यहाँ पे देख रहे हैं, दो टर्म आपको दिए गए हैं, एक दिया गया माइनस एक, एक दिया गया माइनस सिक्स, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस फोर्टीन एक्स क्यू। अब एक्स स्क्वायर वाले टर्म में देखेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं प्लस सिक्स है प्लस सेवन है, तो प्लस क्या हो जाएगा थर्टीन एक्स स्क्वायर। अब फाइव एक्स वाले टर्म देखेंगे, माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स तो माइनस टेन एक्स। ओके, प्लस थ्री प्लस फोर तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस सेवन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को, जितने भी आपका सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन होगा तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, आपका क्वेश्चन चैप्टर का 11 नंबर क्वेश्चन है,
What must be subtract from a cube minus 4 a square plus 5 a minus 6 to obtain a square minus 2 a plus 1। तो क्वेश्चन आपका कह रहा है what must be subtract, इस टर्म में कौन सा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑब्टेन जो आएगा ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस एक। यानी इसमें क्या करना, इस नंबर को जब तक हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तब तक वो नंबर जो होगा वो नंबर नहीं आ पाएगा। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन को, ए क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस सिक्स, इसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है इस नंबर से। ओके, तो आप देख रहे हैं कि ए क्यूब माइनस फोर ए स्क्वायर प्लस फाइव ए माइनस सिक्स माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू ए प्लस माइनस माइनस वन। ओके, तो आप देखेंगे यहाँ पे इस टर्म जो होगा यानी ए क्यू माइनस फोर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो होगा माइनस फाइव ए स्क्वायर प्लस फाइव ए प्लस टू ए प्लस सेवन ए माइनस सिक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस सेवन, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाउ मच लेस देन x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड इज टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस जेड। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब हमको कह रहा है हाउ मच लेस देन, तो लेस देन यानी माइनस क्या हो जाएगा टू एक्स माइनस फोर वाई माइनस जेड, इसको क्या करना है उसमें माइनस करना है। आंसर आपका हो जाएगा x माइनस टू वाई प्लस थ्री जेड, यहाँ पे केवल सिंबल चेंज करेंगे आप, माइनस माइनस प्लस फोर वाई माइनस में प्लस जेड। ओके, एक्स में माइनस टू एक्स क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस एक्स, फोर वाई में टू वाई करेंगे तो प्लस टू वाई, थ्री जेड प्लस जेड इक्वल टू फोर जेड, ये आपका आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है बाय हाउ मच डज वन एक्सीड टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर। यानी क्वेश्चन कर रहा है हाउ मच डज वन एक्सीड, वो अगर वन एक्सीड कर रहा है तो वन किस में एक्सीड कर रहा है, वो एक्सीड कर रहा है टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर। ओके, एक्सीड मतलब बढ़ना, यानी वन में अगर कौन सा नंबर हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे कि वो नंबर क्या हो रहा है एक्सीड करेगा, मतलब इसमें कितना नंबर ऐड करेंगे तो एक्सीड करेगा, यानी वन माइनस टू एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री वाई माइनस माइनस फोर। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वन में अगर फोर ए करेंगे तो आंसर आएगा फाइव माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई, तो ये क्वेश्चन आपका आंसर आएगा फाइव माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई। ओके, तो हमने आज एक्सरसाइज एट सी के जितने भी क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे तरीके से सॉल्व कर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए तैयार रहिएगा। आज हमने डिस्कस कर लिया, नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8D, उसके बाद आपके जितने भी क्लासेस के हैं वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब करने से आपको ये मिलेगा कि जितने भी हम वीडियो डालेंगे आपको बिना कोई ऐप के थ्रू आपको ये वीडियो आपके YouTube पे मिल जाएंगे। ओके, बाय, हैव यू नाइस डे।